नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आली मवेशी में गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो किसान भाइयों और पशुपालकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लंपी स्किन डिजीज क्या है और जानेंगे कि घर में इसका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। लंपी स्किन डिजीज यानी कि गांठदार त्वचा रोग एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सोविडी नामक वायरस से फैलता है। इस वायरस को नीतलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस काटने वाली मक्खियां, मच्छर, जू, दूषित जल, घास से फैलता है। ये वायरस जनित रोग है और संक्रमित जानवर के संपर्क में आते ही एक स्वस्थ पशु में ये बीमारी हो जाती है। ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पशु के शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पशु को भूख नहीं लगती है और पूरे शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का आकार बड़े पशुओं में 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये गांठें गोलाकार और बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं। जब ये बीमारी अपने सर्व उत्कर्ष पर पहुँच जाती हैं तो गांठों का आकार छोटा हो जाता है, कभी कभी गांठें जड़ जाती हैं और कुछ मवेशियों में इन गांठों में घाव बन जाते हैं और घावों में संक्रमण की वजह से मवाद पड़ जाती हैं। कहीं कहीं मक्खियों के कारण कीड़े भी पड़ जाते हैं। लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित पशुओं में गर्भपात हो सकता है। दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ सकती है जो लंबे समय तक रह सकती हैं। पशुओं में लंबे समय तक बाजपन हो सकता है। पीड़ित होने वाले नर पशुओं की जनन क्षमता और कार्य करने की क्षमता में भारी कमी आती है। इस बीमारी की खास बात यह है कि कभी कभी पशु के संक्रमित होने के बाद भी 3 से 5 सप्ताह तक इसके लक्षण नहीं नजर आते। इस वायरस जनित रोग का अभी तक कोई ऑथेंटिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका घरेलू उपचार संभव है जिससे पशु को जरूर राहत मिलती है। इसके लिए फिटकरी को गुनगुने पानी में घोलकर सूती कपड़े से पशु को स्नान कराएं और स्नान कराने के पश्चात नहलाने के बाद सूती वस्त्र से पशु के शरीर को सुखाएं। इलायची, काली मिर्च, लौंग और कपूर को कूट करके एक पाउडर बनाएं और आग के कंडों पर इस पाउडर के साथ में गूगल धूप को डालकर पशु को धुआं दें। और पशु आवास को इंसेक्टिसाइड से स्प्रे करें। इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो इस बीमारी से जल्दी उबर जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें।